पहले भी दो बार घुस चुके हैं सर। बजरंग बली का नाम लेकर तीसरी बार भी घुस जाते हैं। मंजू, आई एम कमिंग फॉर यू। हेलो दोस्तों, मैं हूं एसबी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। अब दोस्तों, नवंबर के स्टार्ट में मतलब कि 1 नवंबर को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ था बॉलीवुड की दो मूवी, जिनमें की एक तो था सिंघम अगेन, जिसके अंदर हमें ऐसे लीड के तौर पर अजय देवगन, करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिले थे। तो उसी मूवी के ऑपोजिट थिएटर में रिलीज हुआ था भूलभुलैया 3, जिसके अंदर हमें ऐसे लीड के तौर पर कार्तिक आर्यन, प्रीति अपालर, माधुरी दीक्षित, दीप्ति दिमरी के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिले। जहाँ इन दोनों मूवीज को अब तक थिएटर्स में रिलीज हुए 12 डेज के आसपास का कम्प्लीट हो चुका है और इन दोनों मूवीज के 12 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में ही मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा। जो कि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे सबसे पहले अगर मैं सिंघम अगेन मूवी की बात करूँ तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो लगभग 375 करोड़ के आसपास का है। तो उस बजट के सामने इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया में 3000 के आसपास के स्क्रीन प्लेस किया गया। चाहे इस मूवी को लेकर शुरुआत से मार्केट में हाइप थोड़ा सा कम होने के वजह से यह मूवी अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग 40 करोड़ के आसपास का ही बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी का रिव्यू उतना अच्छा ना निकलने के वजह से इस मूवी का जो डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हमें खास बढ़ते हुए देखने को नहीं मिला। जहाँ पे सिंघम अगेन मूवी अपने रिलीज होने के लगभग 11 डेज के अंदर हमारे इंडिया से 205 करोड़ के आसपास का ही बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन किया था। जहाँ पे सिंघम अगेन मूवी अपने रिलीज होने के 11 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से 205 करोड़ के आसपास का ही बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन किया था। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी ने अपने डे 12 को लगभग 3.50 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन किया है। इस कलेक्शन को अगर इस मूवी के 11 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो फिर सिंघम अगेन मूवी के 12 डेज का जो टोटल हमारे इंडिया का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है लगभग 208 करोड़ 50 लाख के आसपास का चला जाता है। इसी के साथ ही इस मूवी ने अब तक ओवरसीज से भी लगभग 67 करोड़ 50 लाख के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया है। इस कलेक्शन को अगर इस मूवी के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो फिर सिंघम अगेन मूवी के 12 डेज का जो टोटल वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है लगभग 306 करोड़ के आसपास का चला जाता है। चूंकि 375 करोड़ के बजट में बनी मूवी के लिए कम कलेक्शन तो है, पर इसी मूवी के ऑपोजिट थिएटर में रिलीज हुआ था भूलभुलैया 3, जिसका की टोटल बजट लगभग 150 करोड़ के आसपास का था और इस मूवी को भी अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग 3000 के आसपास के स्क्रीन प्रेस किया गया। जहाँ पे इस मूवी को लेकर भी शुरुआत से मार्केट में हाइप थोड़ा सा कम होने के वजह से ये मूवी अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग 32 करोड़ के आसपास का ही बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी का भी रिव्यू उतना अच्छा ना निकलने के वजह से इस मूवी का भी डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें बढ़ते हुए देखने को नहीं मिला। जहाँ पे भूलभुलैया 3 मूवी अपने रिलीज होने के 11 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से 192 करोड़ के आसपास का ही बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन किया। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी ने अपने डे 12 को लगभग 3.75 करोड़ से लेकर 4.25 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन किया है। जिस कलेक्शन को अगर इस मूवी के 11 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो अब भूलभुलैया 3 मूवी के 12 डेज का जो हमारे इंडिया का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है लगभग 195.75 करोड़ से लेकर 196.25 करोड़ के आसपास का चला जाता है। इसी के साथ इस मूवी ने अब तक ओवरसीज से भी लगभग 76.56 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया है। जिस कलेक्शन को अगर इस मूवी के 12 डेज के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो अब भूलभुलैया 3 मूवी के 12 डेज का जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है वो लगभग 300.28 करोड़ के आसपास का चला जाता है, जो कि 150 करोड़ के बजट में बनी मूवी के लिए काफी अच्छा कलेक्शन है। जहाँ पे अगर देखा जाए तो भूलभुलैया 3 मूवी और सिंघम अगेन मूवी दोनों मूवीज को ऑडियंस ने खास पसंद तो नहीं किया, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं भूलभुलैया 3 मूवी का बजट सिंघम अगेन से कम होने के वजह से ही ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक तरीके से हिट का टैग तो ले ही चुका है। जहाँ पे सिंघम अगेन को अभी भी बॉक्स ऑफिस पे हिट होने के लिए काफी अच्छा खासा कलेक्शन करना पड़ेगा। चूंकि ये मूवी कर पाता है कि नहीं ये तो हमें आने वाले टाइम पे पता चलेगा। ऐसे दोस्तों, आप लोगों ने सिंघम अगेन और भूलभुलैया 3 में से कौन सा मूवी थिएटर में जाके देखा है और क्या आपको ये मूवी पसंद आई कि नहीं, आपका जो भी ओपिनियन है इन दोनों मूवीज को लेकर आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।